हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया ही होने चाहिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 3 बजे से। तो गाइस, पूरे पूरे 3 नहीं बजे, अभी 2:56 हुए हैं। तो गाइस, आज मैं सुबह से काम भी कर रही थी घर पे, कपड़े वपड़े वगैरह धोने को रह गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत 5-6 दिनों से खराब थी। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो उनको मैं धो रही थी। और इधर किचन में खाना वाना वगैरह, सफाई वफाई, फिर मेरा आधा टाइम चला गया। और सुबह से मेरे को फिर टाइम ही नहीं लगा कि व्लॉग भी शूट करूँ। तो अभी मैं फिलहाल घर पे हूँ, मामा पापा जा रखे हैं खेत, तो अभी खेत से गया हूँ बड़ी मम्मी के घर। तो अभी फिलहाल मैं इधर बैठी हूँ। अभी मेरे को रात के लिए दाल इधर चूल्हे पे लगा के रखनी है पकने के लिए। तो लगाएंगे दाल, फिर देखते हैं होता है क्या। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर। तो गाइस, अभी मैंने आग जला दी है और मेरे दिमाग में एक बात चली है कब से कि मैं खाने में क्या बनाऊं, किस चीज की दाल लगाऊं। मतलब आज तो इधर मुझे बहुत सारी दालें दिखाई दे रही है, बट ये समझ नहीं आ रहा बनाऊं क्या। तो अब क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन रहता है, राजमा की दाल। अगर घर में कुछ नहीं मिलता ना, मिलता क्या मतलब, कुछ पता मेरे को ना चले, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन होता है राजमा, क्योंकि वो सभी को पसंद है, उसको सब खाना पसंद करते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं क्या नहीं, तो देखते हैं। फिलहाल तो मेरा फोकस खुद से भी राजमा पे ही है, तो देखती हूँ क्या क्या दालें पड़ी है इधर, फिर देखते हैं क्या होता है। इधर तो काफी सारी दालें पड़ी है, काफी सारी। OMG, चने की दाल बनाऊंगी आज, मजा आएगा। यहाँ पे चने मैंने भीगने के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि सही रहते हैं भीग के, मेरे को अच्छे लगते हैं, अच्छे पकते हैं ये। तो ये भीग जाएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद डालूंगी मैं उनको पार। और इधर इधर क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चने मैंने पकने के लिए रख दिया है ऐसे, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं खाने के लिए। मैं तो हमेशा भी जब भी चने की दाल बनाऊं, बस सबसे पहले साइड में चने निकाल देती हूँ ऐसे, ये होने के लिए, भूनने के लिए। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे ये चीज़। अगर आप लोग ट्राई नहीं करते तो ज़रूर ट्राई करना, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो गाइस, इधर ये भी पक रहे हैं चने, और उधर पकेंगे मेरे दूसरे चने, चने ही चने। और क्या है, तो पक के इनको अरे निकालेंगे, फिर खाएंगे, फिर आएगा मजा। वैसे भी आज मैंने सुबह से खाना बहुत कम खाया है। चने गैस में छोड़े थे गर्म होने के लिए, तो वो तो पक गए, ये तो हुआ है। तो अब खाएंगे इनको, इनको बताऊं कैसे खाते हैं। ऐसे खाते हैं इनको जिसको पता नहीं है उसको बता दूं, ऐसे खाते हैं इनको, ठीक है। तो मेरी हंसी बहुत ही डेंजरस वाली है, सुना मैं नहीं, जैसे भी खाना हो ऐसे खाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही खाते हैं। जैसे मैं खाती हूँ वैसे नहीं खाते हैं, जैसे आप खाते हो नॉर्मली वैसे ही खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ मजाक कर तो ठीक है गाइस, फिलहाल खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो गाइस, आ जाओ आप। तो गाइस, अभी पल्लू वगैरह स्कूल से आ गए हैं और पल्लू बाहर आ गई, और मेरा जो भाई है वो इधर सोया हुआ है परे, क्योंकि इसको पता नहीं कुछ फीवर वगैरह आ गया होगा शायद, कि पेट में लगी दर्द ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मेरे को मम्मी ने बुलाया है गाय को धोने के लिए, बाल्टी ले आने ऊपर। तो मम्मी बड़े मम्मी के घर से अभी आई, तो बाल्टी भी ले जानी है अब। तो एक बोला है खांसी की दवाई ले ले जाने को, तो मुझे पता तो नहीं है, बट ढूंढने की कोशिश करूंगी। तेरे को गाइस, बेचारा किस तरह से आज सो पड़ा है, बीमार हो गया, तो कोई नहीं, देखेंगे इसको आके। फिलहाल सबसे पहले जरूरी है दवाई, मुझे यही यही दवाई होगी शायद, खांसी से तुरंत आराम लिखा है, तो खांसी की दवाई होगी। तो इसको ले जाती हूँ मम्मी के पास, पहुँचती हूँ, फिर आते हैं इधर, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस, पल्लू
आ साड़ी। हाँ तो गई जब मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू रे जानू इतना कि मैं तुझे अपना मानू। ए दिल बिल प्यार प्यार ये मेरी प्यारी गाय है, ये देखो गाइस बेरी चोखा खा रहे हैं फोटो है तो गाइस का नमो गौरे बारे मैं वो पहले बोल दी मम्मी कह रहे तो मेरी बेस्ती की करा रहे हो दाते पूर बोल मैं मुझे डाल और ना सुन दे दाते को आगा कर दे दे गाइस मजा आता है इसको किस करने में। अरे क्या है ओए दिमाग रख रहा प्यार से तुम्हारे को समझ नहीं आता एक बार। ठीक है सभी को गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बेटे। वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का मुझसे बेहतरीन सिंगर इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। चलो गाइस घर मेरी यहाँ है दिमाग खराब भगवान। गाइस बाहर देखो बर्फ अभी भी रह गई है, इधर तो बर्फ का कोई आता पता ही नहीं है। दूध लेके आ गई मैं, दूध लेके आ गई अभी ना मेरे को रात के लिए खाना बनाना है। तो अभी फिलहाल मैं ऊपर से घर में पहुंच चुकी हूँ और इधर मैंने आटा थोड़ा सा आटा ले लिया है रोटियां चपातियां बनाने के लिए। तो पहले इस आटे को गूंथूंगी उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। तो आज मैं अकेले हूँ खाना बनाने में भी, अभी मेरे भाई उधर सोया है और मैं इधर काम कर रही हूँ। क्या होगा आज मेरा, तो पानी वानी मैंने इधर ले लिया है गर्म करके, तो इससे अब मैं आटा गूंथूंगी। फिर चपाती बनानी है मेरे को और मेरे जो चने की दाल छोड़ी थी वो इधर है, ये भी उतने में पक जाएंगे। तो फिलहाल तो पक ही गए हैं, वैसे मतलब थोड़ा बहुत रह गए होंगे। तो गाइस पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ हम रूम आ गया सोने, इधर मैं हूँ इधर मेरा भाई है। तो गाइस खाना वाना हमारा हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।